हाय गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वीन ब्रिज ऑसिलेटर यूजिंग ओपैम्प। तो पहले हम थोड़ा बेसिक्स देखेंगे और फिर डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन हमेशा एग्जाम में पूछते हैं, वीन ब्रिज का या आरसी फेज शिफ्ट का, एक तो डेरिवेशन होता ही है। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो। तो ये है सॉकेट वीन ब्रिज ऑसिलेटर का। ओके, तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पर रीअरेंज किया है और रीड्रॉ किया है। अगर आप नोटेशंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, मतलब दोनों R सेम है और दोनों C भी सेम है। ओके, तो ये सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसको देखते हैं। तो जब भी ऑसिलेटर की बात आती है तो हमारे दिमाग में बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया आता है और हम एग्जाम में वही रटी हुई थ्योरी लिखते हैं कि हाँ, एम्पलीफायर सर्किट 180 डिग्री देगा, फीडबैक सर्किट 180 डिग्री फेज शिफ्ट देगा, तो टोटल हो गया 360 एंड ऑल। तो वो सब विन ब्रिज के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। ये एम्पलीफायर ओपैम्प इन्वर्टिंग मोड में काम नहीं कर रहा। यहाँ पे इधर कुछ भी इनपुट नहीं है, क्योंकि ऑसिलेटर है तो वो इनपुट क्यों लेगा, क्योंकि उसका जो थर्मल नॉइस है, जो भी बैटरी पावर सप्लाई में जो भी इंटरप्शन है, तो उसको वो एम्पलीफाई करेगा और वही वो फीडबैक देगा और फिर उसको एम्पलीफाई कर लेगा। तो ऑसिलेटर ऐसे काम करता है, वो इनपुट नहीं लेता है। तो यहाँ पे इनपुट नहीं है। ओके, तो ये नॉन इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है। तो ओके, तो इसकी फेज शिफ्ट क्या है, 0 डिग्री। ये एक बात ध्यान में रखो। अभी ये विन ब्रिज के एक लेग में पैरेलल आरसी सर्किट है और एक लेग में सीरीज आरसी सर्किट है। तो यही मैंने इधर रीड्रॉ किया है। ये इनपुट क्या लेता है, वीओ वोल्टेज, तो इसलिए मैंने इनपुट में वीओ लिखा है। और आउटपुट क्या रहता है इस नोड पे, वीएफ वोल्टेज, तो इधर मैंने आउटपुट वीएफ लिखा है। मतलब ये फीडबैक सर्किट वीओ इनपुट लेके वीएफ आउटपुट देता है, सिंपल। तो अभी थोड़ा इसके बारे में बताती हूँ कि अभी आपको रिएक्टेंस पता है कैपेसिटर का, 1/2πfc। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है और कैपेसिटर के वैल्यू पे डिपेंड है। तो अभी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं। ओके, एट लो फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी पे ये बढ़ा तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, ओपन सर्किट। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये घटा, ये बढ़ा, मतलब ये ओपन हुआ, तो ये लो फ्रीक्वेंसी पास ही नहीं करेगा। समझ रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा। अब आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ये कम हुआ, तो ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट हुआ। मतलब ये अगर शॉर्ट होता है, ये भी शॉर्ट है, ये शॉर्ट हुआ तो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी ग्राउंड हो गई, तो इसने हाई फ्रीक्वेंसी भी पास नहीं करी। तो ये सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम आउटपुट देता है, वो होती है FR, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, एक ही फ्रीक्वेंसी पे वो मैक्सिमम आउटपुट देगा, सिंपल। तो अब आते हैं डेरिवेशन के इधर। तो डेरिवेशन में स्टार्ट किधर से करना है, पहले बीटा निकालो। ओके, फीडबैक फैक्टर। तो बीटा क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट लिखा और इनपुट लिखा, सिंपल। ओके, अभी वीएफ मैं फाइंड कर सकती हूँ कैसे, सिंपल है यार, वोल्टेज डिवाइडर लगाओ। अभी ये तो ऐसे अलग अलग कंसिडर करके बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको हम बोलेंगे Z1 और ये पूरे को बोलेंगे हम Z2। ओके, अब वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, टोटल रेजिस्टेंसेस, टोटल इम्पीडेंसेस, इनटू इनपुट वोल्टेज। ओके, और यह यहाँ पे ऑलरेडी एक वीओ है, तो ये वीओ कैंसिल हो गया। तो मेरा बीटा क्या आया, Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। ओके, अब थोड़ा और पेशेंस रख के ये समझ लेते हैं। बीटा क्या आया था, वीएफ अपॉन वीओ, उसको हमने कर दिया Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। अभी Z2 क्या है, Z2 है R पैरेलल C, तो मैंने क्या लिखा, R पैरेलल 1/SC, रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में लिखा। ओके, तो R Z1 इज R प्लस 1/SC Z1, और फिर Z2 वही है R पैरेलल 1/SC। ओके, तो अभी पैरेलल का मैंने ये लिखा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन,
वैसे इधर ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, और ये वैसे का वैसा है। ये समझ में आया? अभी यहाँ पे सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया है। ओके, तो इधर क्या किया मैंने, ये जो एससी है वो कट होगा। कैसे? ये यहाँ पे आरएससी हो गया, आरएससी प्लस वन, और ये नीचे का ऊपर का एससी कट हो गया। वैसे इधर हुआ तो मैंने यहाँ पे सेम लिखा है, और ये भी सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, ये स्टेप हो गई। अब इधर आओ, अब इधर क्या किया मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया। ये हो गया आरएससी प्लस वन स्क्वायर, और ये हो गया आरएससी, और नीचे जो डिनोमिनेटर में पूरा आया था ये इंटू ये मैंने इधर ऊपर लिखा, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है। ओके, और ये न्यूमरेटर वैसे का वैसे है, तो जो डिनोमिनेटर आया था उससे आरसीएस प्लस वन और आरसीएस प्लस वन कैंसिल हो गया। ओके, अब बचा क्या, आर इंटू एससी, और नीचे ये वैसे का वैसे। अभी ये ब्रैकेट मैंने सिर्फ ओपन किया तो ये पहली टर्म आई, जो सेकेंड टर्म आई टू आर सी एस, उसके साथ ये मैंने ऐड किया तो आ गया थ्री आर सी एस, और ये वन का स्क्वायर वन। अभी लास्ट स्टेप क्या किया मैंने, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस किया, तो सिर्फ यहाँ पे एस स्क्वायर था इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर हुआ, फिर यहाँ पे जे ओमेगा वैसे ही, तो बीटा तो मिल गया। अब बीटा तो मिल गया, अब क्या है कि ये इक्वेशन हमें सबको पता है, ए इंटू बीटा इक्वल टू वन, तो सिर्फ वो बीटा जो मिला था वो यहाँ पे डाल दो। ओके, अगर ए इंटू बीटा इज वन, इसका मतलब क्या कुछ इमेजिनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ रियल है, तो ए इज रियल ना, तो ए कब रियल होगा, जब इसमें से ये जे ओमेगा पार्ट कट होगा। ये जे ओमेगा पार्ट कब कट होगा, जब ये पार्ट जीरो होगा। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जे ओमेगा के टर्म्स छोड़ के बाकी सब इधर लिखा मैंने। ओके, और जीरो से इक्वेट किया, तो अभी ये उधर गया, फिर ओमेगा को सिंप्लीफाई किया, ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में लाया, और एफ का फॉर्मूला हमें मिल गया। दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ वीन ब्रिज ऑसिलेटर, एफ इक्वल टू 1/2πRC। तो अभी जो भी बचा था इसमें से, ये जीरो होने के बाद ये दो टर्म्स बचे थे, तो मैंने सिर्फ वो ही इधर लिखा है, ए जे ओमेगा आर सी और थ्री जे ओमेगा आर सी। जे ओमेगा आर सी तो कट हो गया, फिर ए बाय थ्री इक्वल टू वन बचा, फिर ए क्या हो जाता है थ्री, और ए इंटू बीटा इक्वल टू वन है, तो हमारा बीटा क्या हो जाता है 1/3। तो हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा बेसिक याद रखो, ये इधर से स्टार्ट करो तो आपको पूरा डेरिवेशन सिंपली आ जाएगा।